Good morning, students. I hope you all are doing well. And as you know that COVID-19 is spreading all around, so as a precautionary measure, we need to keep ourselves sanitized. So for that, I have a trick for you that how to clean your hands. So the trick that I have, that is Suman K. S-U-M-A-N-K. S stands for Seedha. U stands for Ulta. M stands for Mutthi. A stands for Angutha, N stands for Nails, and K stands for Kalai. So for this code word, we can learn that how to wash our hands and to keep ourselves sanitized. Now coming to our today's topic, the chapter that we are going to start today, that is the second chapter of business studies, that is directing. Coming to the functions of management, we are having five functions: planning, organizing, staffing, directing and controlling. डायरेक्टिंग से पहले के जो फंक्शंस हैं उनमें हमने वी हैव प्लान रिगार्डिंग द वर्क, वी हैव ऑर्गेनाइज द वर्क, वी हैव टास्क दैट वी हैव डिवाइडेड, देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग द स्टाफ अरेंज्ड इन द फंक्शन स्टाफ. नाउ जब हमारे पास स्टाफ है, वी आर हैविंग द ह्यूमन रिसोर्स टू वर्क, सो वॉट शुड वी डू एट द नेक्स्ट? द नेक्स्ट थिंग दैट अ मैनेजर वुड डू इज दैट इज डायरेक्टिंग. ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स हमने अरेंज कर लिया, स्टाफ है जिनको काम करना है. उन्हें काम कैसे करना है, क्या काम उन्हें करना है, किस तरीके से करना है, दीज ऑल थिंग्स दिस नीड्स डायरेक्शन. इफ वी टॉक अबाउट मूवीज, ठीक है, हीरो है, हीरोइन है, सो उनको रोल प्ले करना है. उनको रोल कैसे प्ले करना है ये कौन बताता है? ये डायरेक्टर बताता है. डायरेक्टर मीन्स द पर्सन हु इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ वर्क, काम कैसे करना है. सो दैट इज अ डायरेक्टर. मीनिंग डायरेक्टिंग का ये है, डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग द इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग द पीपल for doing the work. लोगों को instructions देना, उनको guide करना regarding how to do the work, that is the direct. Directing में फिर सब कुछ आता है. Guiding them, giving the instructions, then motivating them, then leading them, then having proper communication skills, all things are covered under the concept of directing. Now, if we skip this function, अगर directing हो ही ना, human resource है हमारे पास, हमने job पे लोगों को रख लिया, but what next? उनको बताना तो पड़ेगा कि उनका क्या काम है, किस तरीके से करना है, and these are human beings, not robots. ऐसा नहीं है कि आपने एक बार command देके छोड़ दिया और अपने आप काम होता रहेगा, नहीं. Human resource है, mental ups and downs regularly होंगे. उनके परफॉर्मेंस की एफिशिएंसी को मेंटेन रखने के लिए इट डिपेंड्स अपॉन हाउ गुड यू आर एट डायरेक्टिंग. नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग इज द फंक्शन व्हिच एक्चुअली इनिशिएट्स द एक्शन. इनिशिएट्स एक्शन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. इनिशिएट सेक्शन मतलब काम को स्टार्ट करो. आपके पास जब रिसोर्सेज अरेंज हो गए, लेट अस रिसोर्स है, स्टाफ है आपके पास फिजिकल रिसोर्स है, रॉ मटेरियल है, इन दोनों चीजों को मिला के प्रोडक्शन कैसे होगी? प्रोडक्शन तब होगी जब ये ह्यूमन रिसोर्स इस फिजिकल रिसोर्स को यूज करके कुछ गुड्स एंड सर्विसेज पैदा करेंगे. सो ये ह्यूमन रिसोर्स ये फिजिकल रिसोर्स को कैसे यूज करेंगे, कितना प्रोडक्शन करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, ये सारी चीजें डायरेक्टिंग में आती हैं. यू आर द स्टूडेंट्स एंड आई एम अ टीचर हियर. अगर आपके पास बुक्स हैं, आपके पास कॉन्सेप्ट रेडी हैं, आपको टीचर चाहिए होगा उस टाइम पे टू इनिशिएट द एक्शन. सिर्फ बुक्स खरीद लेने से स्टडी नहीं होगी, यू नीड सम गाइड. आपको कोई ना कोई पर्सन बताएगा कि किस तरीके से पढ़ना है, चैप्टर में है क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ना है. सो दिस ऑल कम्स अंडर द डायरेक्टिंग. देन डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट. इंटीग्रेट्स
डूइंग देयर ओन वर्क. हर किसी पर्सन को टोटल जो काम कंपनी का है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का है उनको कुछ पार्ट्स दिए होते हैं काम करने के. इफ वी टॉक अबाउट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, सो आई एम गिवन अ पार्ट दैट आई नीड टू टीच अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और आई नीड टू टीच अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ करिकुलम. सो आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. सिमिलरली अदर स्टाफ मेंबर्स आर गिवन सम पार्ट ऑफ द वर्क. हमारा जो इंडिविजुअल काम है उस इंडिविजुअल काम को अगर हम जोड़ के इफ वी काउंट इट इन अ टोटैलिटी वी आर एक्चुअली वर्किंग फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सारे जो एम्प्लॉयज जो सारे स्टाफ मेंबर्स इंडिविजुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं इनको टोटैलिटी में देखना और ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे रिजल्ट्स लेके आना दैट इज पॉसिबल ओनली विद द डायरेक्टर. अदरवाइज एवरीबडी वुड बी कंसीडर्ड विद देयर ओन बाउंड्री. मेरा तो इतना काम है मुझे तो इतना ही करना है. Why am I doing that work? I am doing that work because I am being hired for a particular organization to produce results for that organization. So that is how directing से action integrate होते हैं. सबके जो action जो individual छोटे छोटे level पे काम कर रहे हैं लोग उन सबके efforts integrate होते हैं ताकि organization के लिए results निकले. Then use of potential of the staff member. जो भी एनर्जी या जो भी टैलेंट जो स्टाफ मेंबर्स के पास है वट एवर इट इज देयर पोटेंशियल उस पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए वी नीड डायरेक्टिंग. नाउ डायरेक्टिंग में हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मोटिवेशन भी हम पढ़ेंगे, लीडरशिप भी हम पढ़ेंगे, सुपरविजन इज ऑल्सो देयर, देन कम्युनिकेशन इज देयर. ये सारी चीज़ें मिला के ही डायरेक्टिंग बनती है. ह्यूमन रिसोर्स अगेन कोई रोबोट ह्यूमन रिसोर्स है. मेंटल अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली होंगे. जब कोई भी स्टाफ मेंबर करेगा वी नीड टू मोटिवेट देम. मोटिवेट करना क्यों जरूरी है? मोटिवेट करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि उस स्टाफ मेंबर को ऑर्गेनाइजेशन सैलरी पे कर रही है. सो वी पर्सन जिसको ऑर्गेनाइजेशन सैलरी पे कर रही है ही मस्ट बी गिविंग हिज 100%. तो जब वो मेंटली या फिजिकली ठीक ही नहीं है हाउ वुड ही गिव द 100%? किसी भी एम्प्लॉय से 100% परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन अगर निकाल के लेके आनी है दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ गुड दे आर एट डायरेक्टिंग. So to use their potential, again we need directing. In this video, we would be doing only this concept. In the next video, we would be doing the further concepts. Thank you.